नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार में नीतीश कैबिनेट का विस्तार हुआ, कुल 31 मंत्रियों ने शपथ ली और आखिरकार विभाग का वितरण भी मंत्रियों के बीच हो गया। बता दें आपको कि इस बार जिन मंत्रियों ने शपथ ली है उनके नाम को अगर हम देखें, यानी कि किन किन मंत्रियों ने शपथ ली है उनके नाम पर अगर हम गौर करें तो सबसे ज्यादा एस अक्षर से नाम वाले जो लोग हैं उन्हें मंत्री बनाया गया है। हम आपको पूरी जानकारी विस्तार से बताते हैं कि आखिर इस बार वो कौन कौन से मंत्री नीतीश कैबिनेट में शामिल हुए हैं जिनका नाम एस अक्षर से है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि कुल मिलाकर 12 मंत्री हैं जिनका नाम एस अक्षर से है, और यही वजह है कि अब इस बात पर हर किसी का जो फोकस है, जो ध्यान है, वो बट रहा है। बता दें आपको कि सूबे में महागठबंधन की नई सरकार का गठन हो गया है। इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत 33 मंत्री बनाए गए हैं, परंतु इस बार सबसे ज्यादा अंग्रेजी के एस अक्षर से शुरू होने वाले विधायक मंत्री बनाए गए हैं जिनकी कुल संख्या 12 है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव, SC ST कल्याण विभाग के संतोष कुमार सुमन, जल संसाधन और IPRD मंत्री संजय झा, परिवहन मंत्री शीला मंडल, उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री सुमित कुमार सिंह, मद निषेध एवं उत्पाद निबंधन मंत्री सुनील कुमार, कृषि मंत्री सुधाकर सिंह, गन्ना उद्योग मंत्री मोहम्मद शमीम अहमद, आपदा प्रबंधन मंत्री शहनवाज और श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम इसमें शामिल है। सुरेंद्र नाम के दो मंत्री, एक सुरेंद्र यादव और दूसरे सुरेंद्र राम है। इसके बाद अंग्रेजी के ए अक्षर वाले विधायक सबसे ज्यादा संख्या में मंत्री बनाए गए हैं, इनकी भी संख्या 4 है। इसमें राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक कुमार मेहता, भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी, पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री आफाक आलम और पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री अनीता देवी शामिल है। इसके अलावा एम अक्षर वाले 3 और एल के और साथ ही टी अक्षर वाले मंत्रियों की संख्या 2-2 है, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा एन अक्षर वाले अन्य कोई मंत्री कैबिनेट में नहीं है। तो बता दें आपको कि एस अक्षर वाले जो है वो कुल 12 मंत्री हैं जिनके नाम जो है वो एस अक्षर से शुरू होते हैं। साथ ही आपको बता दें कि ए अक्षर वाले जो है वो भी मंत्री हैं जिनकी संख्या 4 है। इसके साथ ही बता दें कि एम अक्षर वाले 3 मंत्री हैं, एल के और टी अक्षर वाले भी मंत्री की संख्या जो है वो 2-2 है, जबकि गौर करने वाली बात ये है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यानी कि एन अक्षर वाले कोई दूसरे मंत्री जो है वो इस कैबिनेट में नहीं बनाए गए हैं। तो ये अब जो जानकारी है वो इस वक्त सामने आई है, जहां पर अगर बात करें तो इन 33 मंत्रियों की कैबिनेट में सबसे ज्यादा जो है वो एस अक्षर वाले मंत्री बनाए गए हैं जिनकी कुल संख्या 12 है, यानी कि 12 ऐसे मंत्री हैं इस बार नीतीश कैबिनेट में जिनका जिनके नाम जो है वो एस अक्षर से शुरू हो रहे हैं। फिलहाल इतना है, ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।